आपने लक्षण पूछा साहबों के सामने, आपने फिर कुरान की एक आयत पढ़ी एह दिन सिरात मुस्तकीम, फिर दो लाइनें इस बाजू की तरफ दो लाइनें, तो आपने बताया ये मेरा रास्ता है जो अल्लाह की तरफ जाता है और ये दो रास्ते पर जो जाएगा वो गुमराह शैतान का रास्ता। तो ये दो रास्ते पे कौन थे? शैतान का रास्ता है। इसकी मतलब शैतान का रास्ता की कोई दलील है? ये शैतान का रास्ता है। ऐसी दलील कैसे मिल जाएगी आपको? शैतान के रास्ता यानी गुनाह वाले जितने रास्ते वो सब शैतान के रास्ते, ख्वाहिशात वाले जितने रास्ते वो सब शैतान के रास्ते। अब देखो मैं आपके खुल के आपको सवाल का जवाब, एक बात मतलब दीन के हिसाब से भी तो लोग गुमराह कर रहे हैं ना। हाँ, बहुत कुछ मैं एक गांव के अंदर एक इंसान से सुना था कि तुम्हारे कुरान को तुम्हारे समझने की बात नहीं, बस की बात नहीं है, तुम कुरान को नहीं समझ सकते क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है वो दलील नास हो गई या नास मिनल हुदा वल फुरकान, ये कुरान तुम्हारे हिदायत के लिए मैंने उतारा हूँ मैं भेजा हूँ। कौन सी आयत पढ़ी आप? उदलिन नास हो गई या नास मिनल हुदा वल फुरकान, ऐसा मफूम बयान करो ना कुरान में ये है मतलब ये आयत क्या आप पढ़ दो ताकि मेरा भी मतलब सही हो जाए ना। तो फिर कुरान से क्यों मतलब दूर करा जाता है कि भाई कुरान आप पढ़ोगे तो दीन के वाले भी तो गुमराह कर रहे हैं ना किसी भी मसलक के हो, तो इसकी मैं जानना चाहता हूँ कि जो रास्ता ये सीधे रास्ता है एदिन सिरातल मुस्तकीम पे, तो चार का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो याद की है, तो ये मतलब चार क्या है इसकी बारे में बता दीजिए। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सीधी लकीर की थी और फरमाया हाजा सिरातल मुस्तकीम, ये सिरातल मुस्तकीम, और फिर दोनों तरफ दाएँ और बाएँ जो लकीरें खींची फरमाया ये शैतान के रास्ते, एक रास्ता होगा जो सीधा होगा जो दीन की तरफ चलेगा सिरात मुस्तकीम होगा, बाकी के रास्ते शैतान के होंगे। इसी तरह इसी हदीस की ताकीद एक दूसरी रिवायत में मिलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी, मेरी उम्मत 72 में बटेगी और एक ही जमात जन्नत में जाएगी। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल को कौन, आपने फरमाया माँ अन अड़ेगी वस्था, तो आपने यहाँ पर भी सिरात मुस्तकीम की वजाहत की कि वो जमात जन्नत में जाएगी जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिरात मुस्तकीम की वजाहत होगी यानी एक ही जमात होगी जो सिरात मुस्तकीम पर चलेगी। अब बाद में जो आगे आगे रास्ते कटे ना गुमराह जमातें होंगी, शैतान के नक्शे कदम पर अमल करने वाली जमातें होंगी, ये होगी। आम तौर पर मैंने खुद ये बात सुनी है, बाज़ मुकर्ररीन बयानों में ऐसा भी कहते हैं कि भाई ये जो दो दो लकीरें हैं ना ये चार इमाम की जमात, मैं भी मैं वही पॉइंट पे आना चाहता हूं, मैं वहीं आ रहा हूं समझ गया मैं। बाद लोग ये कहते हैं, अब मेरी पहली बात देखो, आप मेरी बुखारी शरीफ में जो हदीस मैंने बयान की उसको आप समझेंगे तो आप कभी नहीं कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत में इश्तिहादी इख्तिलाफ को बरहक करार दिया, बरहक करार दिया। अगर आप इश्तिहादी इख्तिलाफ को हक और बातिल वाला इख्तिलाफ समझेंगे तो आप इनको साइड में कर दें, बात पूरी कर दूँ। अब हमको इश्तिहादी इख्तिलाफ कहाँ नज़र आता है? इन्हीं फुकाह में, इन चार मसलकों में हमको इख्तिलाफ, हालांकि ऐसा नहीं है। आपको इश्तिहादी इख्तिलाफ तो सहाबा की ज़िंदगियाँ में, बुखारी शरीफ में रिवायत है, सहाबा में भी इश्तिहादी इख्तिलाफ है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत अमीर मुआविया के बीच में जंग हुई, इंसान आप क्या कहोगे इसको, कौन हक पे था कौन बातिल पे था? मैं समझाने के लिए सवाल कर रहा हूँ, कौन हक पे था कौन बात है? अगर आज आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ अली, तो अब देखो हमारा नज़रिया क्या है कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इंसाफ परस्त थे, सब हक परस्त थे, एक भी गलती पर नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है ना कि जब दो पार्टियाँ हम करेंगे तो अब हमको जवाब तो देना पड़ेगा कि भाई हज़रत अमीर मुआविया गलती पर थे या हज़रत अली, हम कहते हैं तो हम टंके की चोट पर कहेंगे हज़रत अमीर मुआविया भी हक पर थे और हज़रत अली भी हक पर थे, और हम क्या कहेंगे ये जो सहाबा में इख्तिलाफ था ये इश्तिहादी इख्तिलाफ था, इनमें चाहे जंग भी हो गई लेकिन क्यों हुई जंग? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझने की वजह से दोनों में इश्तिहादी इख्तिलाफ था। हज़रत अली फरमाते उसका मफहूम ये है, हज़रत अमीर मुआविया फरमाते उसका मफहूम ये, तो इश्तिहादी इख्तिलाफ के बावजूद हमारा नजरिया रहेगा दोनों हक पर, अल्लाह एक जमात को दो अजर देगा एक को एक। बुखारी शरीफ में और भी रिवायतें वाकयात मौजूद है। तो ये जो सीधे रास्ते वाली जो दलील आपने दी है ना सिरात मुस्तकीम, ये वही सिरात मुस्तकीम है जो नबी और सहाबा वाला रास्ता है, बाकी के तो ये फिरते हैं, बाकी के जो शैतान के रास्ते हैं गुनाह वाले रास्ते वो मुराद साइड में कटेंगे। और सबसे बड़ी अलामत इस हदीस में आ गई कि जो नबी और सहाबा के रास्ते पर,
صحابہ کے راستے کو نبی جانا چھوٹا سا سمجھ میں